कंट्री सेट कर लेना है, नेस्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे भी नेस्ट कर देना है। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हमें कोई भी हॉटस्पॉट जो है कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ग्रीटिंग योर फोन रेडी इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे डोंट कॉपी पे क्लिक करना है। तो जैसे डोंट कॉपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पैटर्न मांग रहा है, तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद में चेकिंग इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ईमेल आईडी भी मांगेगा, क्योंकि इस मोबाइल में जो है FRP लॉक लगा हुआ है। ये देख पा रहे हो, ईमेल आईडी मांग रहा है, FRP लगा हुआ है, और ये जो मॉडल है ओप्पो F25 Pro मॉडल है। तो इस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके अनलॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक आ जाना है कम्प्लीटली। जहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है इसके साइड में क्लिक करना है, और इस आइकन में क्लिक करना है, नियर बाय पे क्लिक करना है, और उसके बाद में इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। मतलब यहाँ से नीड हेल्प शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। एक आर्टिकल ओपन होगा, ये 3 डॉट में हमें जाना है, और उसके बाद में शेयर कर देना है इस आर्टिकल को। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें, तो यहाँ से आप क्रोम में जा सकते हो। क्रोम में जाने के बाद में नो थैंक्स विदाउट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये क्रोम जैसे ओपन हो जाता है, हमें एक साइड टैप करना है। पहले बैक आ चुका है, ऑटोमेटिक दोबारा ट्राई करते हैं। नो थैंक्स पे क्लिक किए, ये साइड यहाँ पे जो लिंक है, एक साइड है, इस साइड को हमें टाइप करना है। तो जैसे आप ये साइड टैप करते हो, साइड टैप करने के बाद नेक्स्ट करना है, मतलब साइड के अंदर ओपन एंटर होना है। एंटर होने के बाद में इस तरह से इंटरफेस होगा, गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। डाउन करना है, ओपन सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। ओपन सेटिंग, ये ओपन सेटिंग में हमें जाना है। तो जैसे इसमें चले जाओगे तो सेटिंग के अंदर आप पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन है, उस पर जाना है। लेकिन उससे पहले इसका एंड्रॉयड वर्जन देख लो। ये जो मैंने बताया फंक्शन होम स्क्रीन एंड ये वाला फंक्शन में हमें जाना है। जाने के बाद में इसमें जाना है 5.4 में, इसमें जाना है। जाने के बाद में देख पाओगे होम स्क्रीन आ जाएगा। अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, इसको आप रीसेट वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, रीसेट भी नहीं कर पाओगे, रिस्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। हमें यहाँ पे फोन क्लोन ऐप को फाइंड करना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें अलाउ करके कम्प्लीटली इसको ऑन करना है। यहाँ पे QR कोड आ चुका है, अब हमें एक दूसरा फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा। तो दूसरा फ़ोन आपके पास कोई से भी हो, ओप्पो वीवो MI कोई से भी मोबाइल हो, उसके अंदर सबसे पहले तो फ़ोन क्लोन ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर जाने के बाद में यहाँ फ़ोन क्लोन ऐप जो है वो हमें डाउनलोड करना है। तो ओप्पो फ़ोन क्लोन क्लोन फ़ोन टाइप कर दो। टाइप करने के बाद उसका हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे हैं, हमें उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके नीचे कलर OS लिखा हुआ है। तो ये ऐप जैसे डाउनलोड हो जाता है, ये इस ऐप के थ्रू जो है वो मोबाइल अनलॉक होगा, उसके बिना अनलॉक नहीं होगा। ये ऐप एक बार डाउनलोड, ये इंस्टॉल भी कंप्लीट हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं और जो भी स्टेप्स इसके एग्री करने के लिए कहता है उसको सबको राइट राइट करके नेक्स्ट करते हैं। तो ये भी अलाउड करते हैं, बैक आता है, इसको भी ऑन करते हैं। अब यहाँ पे ऑन करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी ऑन कर देते हैं और फिर बैक आते हैं। ओके करते हैं, अलाउड करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं और बैक आते हैं। अलाउड अलाउड अलाउड, तो सारे परमिशन अलाउड कर दिया हमने। अलाउड करने के बाद में स्कैनर ओपन हो चुका है। अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको क्लिक करोगे और इसको स्कैन कर दोगे। जैसे स्कैन करोगे, दोनों मोबाइल जो है आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कनेक्टेड हो जाता है, यहाँ से हमें क्या करना है, ये वह कनेक्टेड हो जाए, ये राइट टिक जितने भी है सबको अनटिक करना है। बट सिर्फ एक कोई भी एक स्मॉल MB की फाइल जो है हमें ट्रांसफ़र करना है। तो स्मॉल MB का फाइल कोई से भी हो, इसमें से मैं फेसबुक ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। यहाँ से हमें इसको सेंड कर देना है। सेंड जैसे ही करोगे, ये कंप्लीट सेंड होने के बाद में इस मोबाइल का हमें ज़रूरत नहीं है। ये 25% 30% हो चुका है, 99 और ये 100। अभी देख पा रहे हो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। अब इस मोबाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल में हमें क्या करना क्या है, इस ऐप जो भी हमने इस केस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे अनलॉक मेथड आ चुका है, स्किप पे हमें क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी स्किप पे क्लिक करना है, बॉटम में जाना है और नेक्स्ट करना है। कलर OS का ऑप्शन आ चुका है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो हमारा होम पेज भी आ जाएगा। अब जाके आप इसको मोबाइल को जो है पर्सनली सेटिंग में जाके फॉर्मेट कर सकते हो।